हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स सो इन्वायरमेंट की जो पी 365 थ्री सिक्सटी फाइव चल रही है उसका ये पार्ट नंबर एट होगा सो लास्ट पार्ट में हमने स्पसीज इन न्यूज़ ये टॉपिक कवर कर लिया था यहाँ पे हम फॉरेस्ट पूरा कवर करेंगे वेटलैंड कोस्टलैंड लैंड कवर करेंगे एंड देन ये कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे सैड इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ ये भी कवर कर लूँ सो लेट्स स्टार्ट ईर अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट भी आपको प्रोवाइड करता हूँ तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो ओके एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो अगर आप नहीं करो करते हो वहाँ से देख के देन यू आर गोइंग टू मिस समथिंग ओके सो लेट्स स्टार्ट हेयर सो लेट्स स्टार्ट विद आयर फर्स्ट टॉपिक हेयर दैट इज़ फॉरेस्ट जिसमें इको सेंसिटिव जोन है फर्स्ट टॉपिक न्यूज़ में क्यों था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनवेल किया है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ई एस्टेट के लिए मीन्स इको सेंसिटिव जोन के लिए फॉर डचीगम नेशनल पार्क थजवाज बलतलाल सॉरी बलतल एंड ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन जम्मू एंड कश्मीर ओके इको सेंसिटिव जोन क्या होते है? ये हैं ये क्रिएट किया जाते हैं एज शॉक एब्जॉर्बर फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज़ प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं ना ऐसा तो है नहीं उनके बाहर जानवर अंदर से बाहर आ नहीं सकते तो कुछ एरिया होता है जो और कवर किया जाता है उसे इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं कि ये शॉक एब्जॉर्बर होगा ओके ट्रांजिशन जोन की तरह है। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 जीरो टू एंड ट्वेंटी सिक्सटीन प्रोवाइड किया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ई एस अंडर इन्वॉयरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन एटी सिक्स एज पर नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ट्वेंटी जीरो टू टू ट्वेंटी सिक्स बात करें तो लैंड जो है विद इन टेन किलोमीटर ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैचुरीज जो है उसे हम ई एस डेड बोलेंगे इको सेंसिटिव जोनों के ये याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 में क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था कि मिनिमम एक किलोमीटर इको सिस्टम जो होना ही चाहिए नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ के साइड में बट 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ई ए उनको एप्लीकेबल नहीं है इन रिस्पेक्ट टू विच ड्राफ्ट एंड फाइनल नोटिफिकेशन इश्यू हो चुके हैं पहले से ओके वे आर द नेशनल पार्क जो हैं लोकेटेड हैं इंटर स्टेट बॉर्डर्स पे या फिर शेयर करते हैं कॉमन बाउंड्रीज को ओके okay? कोई माइनिंग अलाउ नहीं है ना तो नेशनल पार्क के अंदर और ना ही कोई वन किलोमीटर रेडियस में एंड सेंचुरीज़ के लिए भी सेम ओके देन यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं ई स्टेट में कुछ हैं जो प्रोहिबिटेड हैं वो नहीं हो सकती जैसे कॉमर्शियल माइनिंग सेटिंग ऑफ सॉमिल्स हो गया इंडस्ट्रीज हो गया कॉजिंग पॉल्यूशन मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ये नहीं हो सकते रेगुलेटेड हैं कुछ जैसे कि फेलिंग ऑफ ट्रीज ड्रास्टिक चेंज इन एग्रीकल्चर सिस्टम एंड कॉमर्शियल यूज़ ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज ये रेगुलेटेड है एक एक सस्टेनेबल बेसिस तक आपको अलाउ कर सकते हो ओके इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग हो गया सेटिंग अप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ये सब रेगुलेटेड है देन ऑन गोइंग एग्रीकल्चर ये सब परमिटेड है ऑन गोइंग एग्रीकल्चर है एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसज हैं लोकल कम्युनिटीज जो कर रही है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो रिनीबल एनर्जी सोर्सेज का देन यहाँ पे अब नेशनल पार्क के बारे में दिया हुआ है ये जे एंड के में है ओके okay? ज्योग्राफिकल लोकेशन अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में जबलवान माउंटेन रेंज में हिमालयाज के ऑक्यूपाई करता है ऑलमोस्ट हाफ जो कैचमेंट जोन है डाल लेक का वेरी इंपॉर्टेंट डचिगम नल्ला जो है रिवर है ओके okay, आती है मार्सर लेक से वो फ्लो करती है यहाँ पे फोना की बात करें तो कश्मीरी या हंगुल स्टैग ऊपर भी हमने बात की लास्ट लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिमालयन ब्राउन बियर इंडियन लेपर्ड हिमालयन ग्रे लंगूर येलो थ्रोटेड मार्टन एक आप नेचुरली आपको पता होना चाहिए कि मेनली कौन सी स्पीसीज वहाँ पे पाई जाती होंगी और स्पेशल वंस जो है जैसे कि हंगुलिया कश्मीरी स्टैग वो तो पता ही होना चाहिए फ्लोरा वेजिटेशन जो है टिपिकली हिमालयन वॉइस टेम्परेट फॉरेस्ट एंड कंसिस्ट करता है और ट्री लाइक कश्मीरी एल्म है वाइट विलो है हिमालयन पॉपुलर है एप्रिकॉर्ड्स एंड ओक्स देन ये डचिगम नेशनल पार्क की लोकेशन दी हुई है लेट्स गो टू टूअ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी न्यूज़ में क्यों आया ये क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फॉर्म किया एक न्यू सी ई सी मीन सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ऑन एन्वायरमेंटल इश्यूज़ एक्सरसाइज कर रहे थे अपना पावर जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड नाइनटीन एटी सिक्स के अंडर ये एक्ट भी आपको पढ़ना चाहिए ओके सी ई सी की बात करते हैं सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की परमानेंट स्टैचुटरी बॉडी है ये रिप्लेस करती है एंड एडहॉक जो एक एडहॉक बेसिस पे जो सी ई सी आई थी फॉर्म हुई थी टू थाउजेंड टू में उसे इसे रिप्लेस किया इसने फॉर मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एस एक ऑर्डर को इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर करने के लिए जो कि कब आया था टी एन गोडवर्मन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के इस नाइनटीन नाइनटी सिक्स में आया था कॉम्पोजिशन इतना इंपॉर्टेंट है फिर भी देख लो चेयरमैन एंड थ्री एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे सिलेक्टेड फॉर थ्री ईयर एक्सटेंडेबल वंस अप टू एज ऑफ सिक्सटी चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होगा एक सर्विंग ऑफिसर जिसकी रैंक डीआईजी ओ फॉरस्ट या डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोड नहीं होगी ओके देन ऑल ऑफ दम शुड हैव सभी के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वॉयरमेंट फॉरस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का फंक्शन इंपॉर्टेंट है इसके मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन जो एस के ऑर्डर का करना एंड रिपोर्ट्स प्रेजेंट करेगा सेंटर के सामने कि ये सही से काम नहीं कर रहे ओके okay? डील करेगा अगर कोई एप्लीकेशन किसी अग्रीव पर्सन ने दिया है जो होल कंट्री में है इसका और अगर स्टेट डिफर करता है सीईसी की रिकमेंडेशन पे तो ये सेंटर को बोल देगा और वो जो फाइनल फैसला सुनाए सुनाएगा वो ही फाइनल होगा एंड बाइंडिंग भी होगा देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट ये न्यूज़ में क्यों था क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया एक कंट्री लेड इनिशिएटिव सी को एक इवेंट था जो कि पार्ट है यू का यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट इन देहरादून उत्तराखंड और न्यूज़ में क्या था सी फोकस करता है टू थेमेटिक एरियाज पे फॉरेस्ट फायर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन एफ सी एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एस एफ एम ओके प्राइमरी गोल क्या है सी एल आई का ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है डिस्कशंस पे यू एन एफ एफ में रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड यू एन स्ट्रैटेजिक प्लान जो है फॉर सॉरी फॉर फॉरेस्ट यू एन एस पी एफ इसके बारे में अभी बढ़िया से बात करेंगे यू एन एस पी एफ टू थाउजेंड सेवेंटीन से थर्टी तक के लिए है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया इसके सिक्स ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हैं एंड ट्वेंटी सिक्स एसोसिएटेड टारगेट्स हैं विच आर वॉल्ट्री ये जरूरी है कि आप रखो वॉलन्ट्री है एंड यूनिवर्सल है ओके देन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट है ये इंश्योर करता है कि फॉरेस्ट की जो सप्लाई करता है फॉरेस्ट गुड्स एंड सर्विसेज की वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स दोनों को मीट करे यू फॉरेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंकरेज करता है कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो थ्रू वॉल्ट्री सर्टिफिकेशन सिस्टम या फिर कोई अदर अप्रोप्रिएट मैकेजम इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर अदर यू एन डेक्लेसन क्या है फॉरेस्ट के रिलेटेड न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट है ये फर्स्ट एंडोर्स किया गया था एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014 फोरटीन एंडोर्समेंट समर्थन इसका किया गया प्रपोज किया गया एक ग्लोबल टाइम लाइन जिससे कि ये करना चाहते थे इंड किस चीज का लॉस ऑफ फॉरेस्ट का इंड ओके एंडोर्स किया गया इसे गवर्नमेंट्स के द्वारा बिग कंपनीज के द्वारा एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज के द्वारा देन फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की बात की गई ये एक मैकेनिज्म है फॉरेस्ट मॉनिटरिंग ट्रेसिंग एंड लेबलिंग का फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के जहाँ पे क्वालिटी जो होती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट की वो जज की जाती है अगेंस्ट अ सीरीज ऑफ एग्रीड स्टैंडर्ड्स ओके बिटवीन ट्वेंटी जीरो ट्वेंटी टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात करें तो एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड अंडर सर्टिफिकेशन स्कीम्स जो है वो इंक्रीज हुआ है बाई थर्टी फाइव परसेंट दैन यहाँ पे सेवन एलिमेंट्स दिए गए हैं सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जिसमें बात करते हैं यहाँ पे एक्सटेंड क्या है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है फॉरेस्ट की हेल्थ एंड वाइटेलिटी क्या है प्रोडक्टिव फंक्शंस क्या है फॉरेस्ट रिसोर्सेज के प्रोडक्टिव फंक्शंस क्या है फॉरेस्ट रिसोर्सिस के सोशियो इकोनॉमिक फंक्शन क्या हैं लीगल पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है देन यू की बात की गई है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट जेनेसिस कैसे हुआ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो है ये एक यूएन बॉडी है इकोसॉक इन 2000 थाउजेंड किया था यूएनएफएफ को एज अ सब्सिडियरी बॉडी इसके बारे में जानते हैं ये प्रमोट करता है मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सभी टाइप्स के फॉरेस्ट को एंड स्ट्रेंथन करना चाहता है लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट को इस एंड के लिए ओके कि सब लोग अच्छे से प्रिजर्व करें मेंबर्स की बात करें तो सारे जो मेम्बर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के इंक्लूडिंग इंडिया इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर भी है इसका एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी इसके अंडर आते हैं सो लेट्स गो टू अर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडिया फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम दैट इज आई ये न्यूज में क्यों था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है इंडिया फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लो अच्छे से इम्पॉर्टेंट हो सकता है ओके नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है ये इसके ये नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम है इंडिया की ओके डिजाइन किया कर, की गई है प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट को ऑफ ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट जो है इन द कंट्री टी ओ एफ ऑफर करता है वॉलंट्री थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड करता है मार्केट इंसेंटिव वेरियस एंटिटीज को जैसे कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं इंडिविजुअल फार्मर्स फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अडेयर करते हैं टू रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस पे इन दियर ऑपरेशन जहां पे भी वो ऑपरेट कर रहे हैं ओके एप्लीकेबल अक्रॉस कंट्री है ये बोथ इन एरियाज फॉरेस्ट एरियाज में भी है एंड ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट प्लांटेशन में भी है ऑन गवर्नमेंट प्राइवेट एग्रो फॉरेस्ट्री एंड लैंड जो भी है ओके okay? सर्टिफिकेशन एप्लीकेबल है टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दोनों के लिए इंक्लूड करता है थ्री टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन एक तो फॉरेस्ट सर्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है थ्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है चेन ऑफ स्टडी सर्टिफिकेशन है दैट इज ट्रेसिबिलिटी ऑफ अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये बेस्ड है इंडिया फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स पे ओके जो एक कंसिस्ट होता है एट क्राइटेरिया पे विच इज जो कि इंटीग्रल पार्ट है नेशनल वर्किंग प्लान को 2023 का आगे बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट देखते हैं आई एफ डब्ल्यू सी एस की मीन्स इंडिया फॉरेस्ट एंड वोट सर्टिफिकेशन स्कीम की यहाँ पे इंडिया फॉरेस्ट एंड वोट सर्टिफिकेशन काउंसिल है जो कि एक्ट करेगा एज मल्टी स्टेक होल्डर एडवाइजरी बॉडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल है यहाँ पे जो कि एक्ट करेगा ऑपरेटिंग एजेंसी की तरह एंड रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी ओवरऑल मैनेजमेंट हो रहा है आई एफ डब्ल्यू सी एस का उसके लिए देन नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज अंडर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे है ये अलाउ करेगा सर्टिफिकेशन बॉडीज का कि वो कैरी आउट कर सके इंडिपेंडेंट ऑडिट्स वेरियस एंटिटीज का ओके ये सब ऊपर ऊपर से देखते चलो बाकी घुस के नहीं पढ़ो ये इंपॉर्टेंट है नेशनल वर्किंग प्लान कोड ऑफ 2023 ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए फॉरेस्ट एंड इवॉल्विंग न्यू अप्रोचेस के लिए फर्स्ट अडॉप्ट हुआ था टू में एंड सबसिक्वेंट अमेंडमेंट हुआ ट्वेंटी में इनकॉर्पोरेट किया गया था ये इनकॉर्पोरेट करता है इंडिया फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स आई एफ एम एस को जो कि एक सेट ऑफ एट कॉम्प्रेंसिव गाइडलाइंस हैं एंड रूल्स हैं जो कि एप्लीकेबल हैं सभी स्टेट्स पे फोकस करते हैं सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन पे प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स पे इन्हांसमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट पे देन एक्सटेंट एंड कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं क्या है ट्री कवर क्या है एडुकेशन ऑफ पॉलिसीज़ क्या है लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है ऊपर ऊपर से देख लो दो तीन बार रीड कर लो घूम के याद हो जाएगा ओके आई एफ एम एस जो है वो डेवलप किया गया था फ्रॉम भोपाल इंडिया प्रोसेस ये वन ऑफ द नाइन ग्लोबल इनिशिएटिव है फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट ओके फॉर द फर्स्ट टाइम एनडब्ल्यू जो है 2023 उसने प्रेस्क्राइब किया है एनडब्ल्यू पी सी यही है नेशनल वर्किंग प्लान कोड स्टेट प्रेस्क्राइब किया है कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एंगेज करेंगे इन कॉन्टिन्यूस डेटा कलेक्शन में एंड अपडेशन में इनर सेंट्रलाइज डेटा बेस देन यहाँ पे अदर फॉरेस्ट रिलेटेड न्यूज है लेट सी देम वन वन सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रॉपिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका फिफ्टी नाइन्थ काउंसिल रिसेंटली इसके बारे में बात करें तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 1989 में फाउंड हुई हेडक्वार्टर योको हमारा जापान में है एम क्या है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट को प्रमोट करेगा एंड कंजर्वेशन करेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मेंबरशिप 76 कंट्रीज के पास है इंक्लूडिंग इंडिया गवर्निंग बॉडी कंसिस्ट करती है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल

क्यों क्या होता है टू ऑपटेन अप्रूवल फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए ओके okay? कौन से लैंड का फॉरेस्ट लैंड का अंडर ए अगर देखेंगे तो पीपल एंड गवर्नमेंट एंटिटीज जो होती हैं वो वेजिटेशन रेस करती हैं लैंड पे एंड सेल कर देती हैं प्रोजेक्ट डेवलपर्स को जिन्हें जरूरत होती है कम्पनसेट्री एफॉरेस्टेशन टारगेट्स को पूरा करने के ओके okay? इससे पहले क्या होता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडर करती थी कम्पेसेट्री एफॉरेस्टेशन सिर्फ आफ्टर अप्रूवल ऑफ डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज ओके देन सी जो है ये इतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है ओके okay? अगर आप कैंपा के, for के बारे में पढ़ते हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट सी जो है वो मैंडेट्री है अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन फॉर नॉन फॉरेस्ट्री यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड देन यहाँ पे ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के बारे में गिविन है जो डब्ल्यू है एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड डब्ल्यू आर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट उसने अपडेट किया है ग्लोबल फॉरेस्ट रिव्यू को ऑन द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच प्लेटफॉर्म ओके डब्ल्यू आर आई ने इस्टेब्लिश किया था ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच को 1997 में एज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट फ्रंटियर्स इनिशिएटिव ये स्टार्ट हुआ था एज अ नेटवर्क ऑफ एनजीओज जो थे उन्होंने प्रोड्यूस किया था अप टू डेट रिपोर्ट्स अबाउट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की क्या है स्टेट फॉरेस्ट की ओके ट्वेंटी नाइन्टीन तक बात किया जाए तो 82 कंट्रीज का पार्ट बन चुकी हैं इंक्लूडिंग इंडिया इसमें आते हैं ओके okay? उन उनपे डेटा प्रोवाइड करते हैं देन अबाउट अगर डब्ल्यू आर आप बात करें वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है स्टैब्लिश हुआ 1997 में फोकस क्या है इसका ये मैंडेट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का ये फोकस करता है कंट्रीज पे कि वो पीपल्स की नीड जो है वो इसेंशियल नीड्स उन्हें पूरा करें प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर करें नेचर को एंड स्टेबलाइज करें क्लाइमेट को बिल्ड करें मोर रेजिलियट कम्युनिटीज को देन यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है कोलेबरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट सी जो है वो लॉन्च किया गया ने लॉन्च किया है ज्वाइंट कॉल टू एक्शन फॉर फॉरेस्ट टूवर्ड्स ट्वेंटी इसके बारे में बात करते हैं जेनेसिस इस्टेबलिश हुआ था 2001 में 2001 में बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द इको यूएन की बॉडी है इको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूएन ओके एज एन वॉल्ट्री इंटर एजेंसी पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट मिशन क्या है ये हेल्प करती है इनहस करने में कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट का एंड ट्रीज का आउटसाइड फॉरेस्ट फॉर द ट्वेंटी थर्टी एजेंडा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फंक्शन क्या है इसका सपोर्ट करती है वर्क जो है यू एन का यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का एंड प्रोवाइड करती है साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइस यू एन एफ एफ को ओके okay? मेम्बर्स कौन है इसके कंपराइज करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टीट्यूशन को सेक्रेटेरिएट्स को दैट हैव सब्सटेंशियल प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट ये सब आप याद भी नहीं रख सकते याद करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए ओके okay? बस पढ़ लिया बहुत है देन नेक्स्ट टॉपिक वेटलैंड्स कोस्ट लैंड एंड ओशियंस सो आइए चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पे जो कि बात करता है फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट टू द प्रोटेक्ट द हाई सीज यहां पे फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी आई है देखते हैं न्यूज में क्यों आया क्योंकि ने अडॉप्ट किया वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल ट्रीटी प्रोटेक्ट करने के लिए हाई सीज को ट्रीटी की बात करें तो अडॉप्ट किया गया है बाई इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जेरिस्टिक्शन बीबीएनजे के द्वारा ओके हाई सीज ट्रीटी एम करती है स्टेवरशिप लेने पर ऑफ ओशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन मतलब कि ले लेंगे जगह फ्यूचर एंड प्रेजेंट जनरेशन की और उनकी जगह पे काम करने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं अडॉप्ट हुआ है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंसन ऑन द लॉ ऑफ द सी यू एन क्लॉस की जगह पे लीगली बाइंडिंग इन नेचर है एंड इंटर होगा फोर्स में कब जब सिक्सटी कंट्रीज इसे रेडिफाई कर देंगी मेरी टाइम जोन्स की बात करते हैं ये बेस लाइन हो गई इससे बारह किलोमीटर तक आप टेरिटोरियल सी बोलते हो इसके बाद एक कॉन्टिगुअस जोन होता है बारह किलोमीटर तक ये ट्वेंटी फोर गर्द लिखा है ट्वेंटी फोर ये पूरा होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ से टू हंड्रेड किलो नॉटिकल uh, माइल्स तक सॉरी एक्सटेंड करता है यान उसके बाद जो भी पड़ता है हाई सीज होते हैं ये टेरिटोरियल सी पे आपको एयर लैंड एंड वाटर जो भी है सभी का एक्सेस आपके पास होता है देन उसके बाद ये डाइल्यूट हो जाता है थोड़ा अगर इस जोन की बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सॉवरन राइट्स होते हैं ओवर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वाटर कोलम जो भी होगा एंड सी बेड एंड सी सॉइल पे होगा बट एयर पे नहीं होगा ओके okay? देन आगे बढ़ जाओ आप हाई सीज में आ जाओ तो और, तो ये सबका होता है ओके okay? देन बाकी यहाँ पे दो आप देख लेना इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है आप तो अलग से पढ़ लो ये ओके देन की हाईलाइट ऑफ ट्रीटी की बात करें तो स्ट्रेंडन करता है रेजिलियंस को एंड कंटेन करता है प्रोविजन prov को बेस्ड ऑन पॉल्यूटर बेस्ड प्रिंसिपल एज वेल एज मैकेजम फॉर डिस्प्यूट है इसके अंदर पार्टीज को असेस करना पड़ेगा कि क्या पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है अगर वो, वो प्लान कर रहे हैं कोई भी उनके जरिस्ट्रिक्शन के बाहर की एक्टिविटी को ओके okay? ऑफर करता है गाइडेंस इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड अप्रोच टू ओशियन मैनेजमेंट जो कि बिल्ड करेगा इकोसिस्टम रेजिलियंस टैकल करने के लिए एडवर्स इफेक्ट जो होंगे क्लाइमेट चेंज एंड ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से रिकोगनाइज करता है राइट्स को एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को इंडिजिनस पीपल्स की एंड लोकल कम्युनिटीज़ की फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है यहाँ पे एंड नीड है फॉर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एम करता है इस्टेब्लिश करने पर लार्ज स्केल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इंटरनेशनल वाटर्स में जो कि प्रोटेक्ट करेंगे मरीन बायोडावर्सिटी को हाई सीज में ओके एंड ऑल्सो कॉल करता है फॉर सेटिंग अप अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जैसे कि यू एन एफ सी सी यू एन सी बी डी इनके लिए सी ओ पी है वैसे ही टू ओवर सी एंड एन्फोर्स कंप्लाइंस विथ थ्री टर्म्स सो ये टॉपिक भी हमारा एंड होता है लेट्स गो टू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोरल रीफ ब्रेक थ्रू ये न्यूज में क्यों था क्योंकि जो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है आईसीआरआई ने लॉन्च किया कोरल रीफ ब्रेक थ्रू को इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स एंड हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस ओके ये है क्या आईसीआरआई ये ग्लोबल पार्टनरशिप है बिटवीन नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन जिनसेस कैसे हुआ 1994 में फाउंड हुआ था बाय ऑस्ट्रेलिया फ्रांस जापान जमैका फिलीपींस स्वीडन यूके एंड यूएसए ये कोशिश करता है प्रिजर्व करने के लिए कोरल रीफ्स को एंड रिलेटेड इकोसिस्टम जो है अराउंड वर्ल्ड 101 मेंबर्स हैं इसमें इंक्लूडिंग इंडिया अदर फॉर्मेशन बात करें तो ये पार्ट है ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ क्वालिशन का जो कि एक ब्लेंडेड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है मोबिलाइज करने के लिए एक्स एंड रिसोर्स को जिससे कि प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर किया जा सके कोरल रीफ इको को ब्लेंडेड फाइनेंस क्या होता है यहाँ पे दिया गया है ये स्ट्रेटेजिक यूज होता है डेवलपमेंट फाइनेंस का फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ एडिशनल फाइनेंस जो आपको मिल रहा है टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओके यूज करता है कंसेसनल फाइनेंस को दैट इज सब्सिडी को रिड्यूस करने के लिए जो परसिव्ड रिस्क है इन्वेस्टमेंट का उसे ओके अबाउट कोरल रीफ ब्रेक थ्रू अगर बात करें तो एम करता है प्रिवेंट करने के लिए एक्सटेंशन को एटलीस्ट वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर का ऑफ सैलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स एक्शन प्लान्स क्या है टारगेट अचीव करने के लिए यह मिटिगेट करना चाहता है जो भी लोकल ड्राइवर्स हैं लॉस के लिए इंक्लूडिंग लैंड बेस्ड सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन हो गया डिस्ट्रक्टिव कोस्टल डेवलपमेंट है ओवर फिशिंग है बोस्टर करता है जो रेजिलियन बेस्ड कोरल रीफ कंजर्वेशन एफर्ट्स है बाई अलाइनिंग किसके साथ अलाइन करके विद एंड सरपासिंग ग्लोबल इको कोस्टल प्रोटेक्शन जो है टारगेट थर्टी बाई थर्टी जो टारगेट है मेनली वो बताया गया है यहाँ पे कि उसे पूरा करने की कोशिश करेगा दैट इज टारगेट थ्री जो है टारगेट थर्टी बाई थर्टी याद रखो ये सब नहीं ओके okay? कुमिंग मॉन्ट्रियल बायोडावर्सिटी फ्रेमवर्क में टारगेट था आपने देखा था कि एटलीस्ट थर्टी परसेंट जो टेरिस्ट्रियल एंड इनलैंड वाटर एरियाज हैं एंड मरीन एंड कोस्टल एरियाज हैं उन्हें कंजर्व किया जाना चाहिए ट्वेंटी थर्टी तक उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेगा ओके okay? असिस्ट करेगा डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन में इनोवेटिव सोल्यूशंस के एट स्केल एंड क्लाइमेट स्मार्ट डिजाइंस जो है सपोर्ट करते हैं कोरल को इम्पैक्ट करेंगे थर्टी परसेंट ऑफ डिग्रेडेड रीफ बाई ट्वेंटी थर्टी सो ये सब इतना आपको जरूरत नहीं है कोरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है ओके okay? सिक्योर करेगा इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट ट्वेल्व बिलियन यूएस डॉलर बाई ट्वेंटी थर्टी फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेज कोरल रीफ के बारे में जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है ये मरीन इन्वर्टिब्रेड एनिमल्स होते हैं विद हार्ड एक्जो स्केलेटन्स जो कि बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के ये कॉलोनीज बनाते हैं हंड्रेड से थाउजेंड्स में टाइनी इंडिविजुअल्स वहाँ पे एकदम छोटे छोटे होते हैं जिन्हें पॉलिप्स बोलते हैं फोर्टी फाइव कंट्रीज जो हैं वो कंपराइज करते हैं सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है इसका मेनली ऑस्ट्रेलिया में तो आपने ग्रेट बैरियर रीफ सुना ही होगा इंडोनेशिया फ़िलिपइन मॉल डिव फिजी पापान्यूगिनिया इंडिया में प्रेजेंस कहाँ इसकी गल्फ ऑफ कच गल्फ ऑफ मन्नार अंडमान एंड निकोबार लक्सरी आइलैंड एंड कहीं थोड़ा थोड़ा और भी पाए जाते होंगे ये मेजर एरियाज ओके डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है वो प्रमोट करता है आर्टिफिशियल रीफ को अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर रेजनेट करने के लिए कोस्टल फिशरीज को ओके okay? इंडिया में याद रखना कि जो इनलैंड फिशरीज का प्रोडक्शन है वो जाता है देन सी से जो फिश वगैरह निकालते हैं ओके okay? देन यहाँ पे स्टैग हॉर्न कोरल दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ में अच्छे से आया था ये एक जीनोम वाइड सर्वे हुआ है हाईली इंडेंजर्ड स्टैग हॉर्न कोरल का ओके इन द कैरिबियन कैरिबियन में ही पाए जाते हैं हैज़ आइडेंटिफाइड इसने आइडेंटिफाई किया टेन जीनोमिक रीजन्स को एसोसिएटेड विद रेजिलियंस अगेंस्ट वाइट बैंड डिसीज वाइट बैंड डिसीज़ भी आप एक बार देख लेना ओके okay, कैरेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरल्स है कैरिबियन का अलॉन्ग विध जो एल्न कोरल है एंड स्टार कोरल्स ये भी दोनों हम याद रखो ये बिल्ड करता है कैरिबियन कोरल रीफ को ओवर द लास्ट फाइव थाउजेंड ईट इज इट इज ये इम्पोर्टेंट है ओके दैट इज वाई सो कैन फॉर्म डेंस ग्रुप फॉर्म कर सकता है जिसे थिकेट्स बोलते हैं इन वेरी शैलो वाटर ये फूड इसे कहा मिलता है फोटो सिंथेटिक एल्गी से मिलता है जो कि इनसाइड कोरल से रहती है ओके एंड आयु सी एन स्टेटस का क्या है क्रिटिकली इनडेंजर्ड है दैट इज़ वाई ये नेम इम्पॉर्टेंट है एल्कॉर्न कोरल एंड स्टार कोरल्स इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत देख लो ओके okay? दैन यहाँ पे लेक्स एंड वेटलैंड इन न्यूज़ दिया हुआ है वेटलैंड इन न्यूज़ इंडिया डाल लेक जम्मू एंड कश्मीर अभी ऊपर ही देखा था हमने कांवर लेक लास्ट टाइम यू पी एस सी में शायद आया था ये कांवरताल वेटलैंड बिहार देन डिपोर भील असाम सुंदरबंश वेस्ट बंगाल चिलिका लेक कोलेरू लेक पुलिकट लेक वम्बनाट लेक एंड भोज वेटलैंड ये सारे लेक्स एंड वेटलैंड्स हैं जो न्यूज में रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेंगे इन्हें ओके सो फर्स्ट वेटलैंड है यहाँ पे चिलीका लेक ऑफ उड़ीसा यहाँ पे क्या हुआ कि 88 बर्ड स्पीसीज मिली हैं लेक में ड्यूरिंग एनुअल समर सर्वे जो हो रहा था बर्ड्स का कंडक्ट हुआ बाय चिलीका वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ ओडिशा ये एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकेस्ट वाटर लेक है ओके वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लेगोन है फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है जो कि डिजिग्नेट किया गया था अंडर रामसर कन्वेंशन ऑफ 1981 ओके देन फर्स्ट साइट है एशिया में विच वाज रिमूव फ्रॉम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से रिमूव की गई थी 2002 थाउजेंड टू में यहां पर याद रखना रामसर कन्वेंशन नाइनटीन सेवनटी वन काम आर मीनस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जहाँ पे चेंजेस जो हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर में बताए जाते हैं कि हो रहे हैं या फिर हो चुके हैं ओके okay? सो so, कालीजाई टेंपल जो है वो सिचुएटेड है आइलैंड इन चिलीका लेक देन मेजर अट्रैक्शन यहाँ पे देखें नला बदाम बर्ड सेंचुरी एंड ईरा बड़ी डॉल्फिन देखने को मिलती है ईरावड़ी डॉल्फिन हम बात कर चुके हैं ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है आई रेड लिस्ट पर जो आती है ओके देन नेक्स्ट है पुलिकट लेक आफ्टर अ सिक्स ईयर एबसेंस छः साल बाद क्या हुआ है कि लेसर फ्लैमिंगोस जो हैं उन्होंने वो वापस आई है पुलिकट लेक में ओके लेसर फ्लैमिंगो ये एक नियर थ्रेटेड स्पीसीज है आई यू सी एन रेड लिस्ट पे ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि सब सहारन रीजन ऑफ अफ्रीका से आती है ओके लोकेशन की बात करें तो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु बॉर्डर पे ये प्रेजेंट है पुलिकट लेक आप इसकी लोकेशन बस्ट है देख लो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकेस्ट वाटर लेक या लगून जो भी बोलो आप है इन इंडिया आफ्टर चिलीका लेक रामसार साइड भी है थ्री मेजर रिवर्स इसको फीड करती हैं अरानी कलंगी एंड स्वर्णमुखी रिवर बैरियर आइलैंड जो है श्री हरिकोटा का वो इसे सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल से नेक्स्ट इज डाल लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थाउजेंड्स ऑफ जो डेड फिश हैं थाउजेंड्स ऑफ जो डेड फिश हैं वो फ्लोट कर रही थी डाल लेक में ड्यू टू टेम्परेचर वेरियस जो भी हुए हैं एट डिफरेंट डेप्स ऑफ लेक ओके लोकेशन श्रीनगर में है ये जम्मू एंड कश्मीर में इसे श्रीनगर जेवल भी बोलते हैं ओके इंपॉर्टेंट है फॉर्मड okay? क्यों हुई है ये ड्यू टू फ्लड स्प्ले जो हुआ था फ्रॉम झीलम रिवर देन फ्लोटिंग गार्डन्स भी इसमें हैं जिसे जाड बोलते हैं कश्मीरी में ओके एंड हाउस बोर्ड जो है शिखर वो इसे काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है इसके बारे में आप एन सी ई आर टी में भी देख सकते हो ओके सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में एन सी आर टी से भी पढ़ सकते हो आप ओके okay? देन भोज वेटलैंड ऑफ मध्य प्रदेश की बेना है यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया जो ऑपरेशन हो रहा था क्रूज बोर्ड्स का अपर लेक में इन भोपाल एंड अदर वेटलैंड साइट्स पे ओके okay? फर्दर इसने बैन किया है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो हो रही थी नो no डेवलपमेंट जोन में एंड बफर जोन में एज प्रोवाइडेड इन वेटलैंड रूल्स 2017 लोकेशन भोपाल मध्य प्रदेश में है याद रखो ये जितने भी न्यूज़ में आ जाते हैं ओके डेजिग्नेटेड है एज अ रामसार साइट टू थाउजेंड में डेजिग्नेट किया गया था टू मैन मेड रिजर्वायर्स हैं यहाँ पे दैट इज़ ऊपर लेक अपर लेक सॉरी भोजतल एंड लोअर लेक भी है यहाँ पे जो भी रामसार साइट्स हैं आपको सभी के बारे में पढ़ना है एटलीस्ट जो दो तीन साल में पिछले ऐड हुई हैं उनके बारे में तो आपको मस्ट है जानना ही चाहिए देन नेक्स्ट है वेम्बनार्ड कोल वेटलैंड केरला जहाँ पे क्या हुआ कि केबोम्बा फुरकुटा जो है जिसे पिंक ब्लूम भी करते हैं ड्यू टू इसकी मैसिव फ्लारिंग हुई बहुत ज़्यादा ये फूल गिले ओके ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है ओके हैज़ बीन एक न्यू थ्रेट है कोल फील्ड्स को वहाँ की कोल फील्ड्स जो है ओके कोल मीन्स कोयला नहीं यहाँ पे इन एडिशन टू वाटर हाईसेंथ एंड सेल्वीनिया मोरिस्टा जो है ये दोनों भी इन्वेजिव एलियन स्पेसीज है नाम ये याद रखो ओके okay? ये लार्जेस्ट ब्रैकेस्ट लेक है केरला की टेन रिवर्स से फेड करती है एंड पम्बा एंड अचन कोविल रिवर जो है वेमनाट की वो फॉर्म करती हैं पार्ट ऑफ कुत्तनाड कुत्तनाड फेमस है बिलो मीन सी लेवल कल्टिवेशन के लिए ओके okay? ये फेमस है एक्जॉटिक फिश वराइटीज के लिए भी एंड पैडी फीड जो है बिलो सी लेवल वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ओके okay? पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे भी है ये ओके सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड हार्बर करता है बर्ड्स को लाइक स्पॉट बिल्ड पेलीकन ओके देन पे डीपोर असम के बारे में गिवन है यहां पे असम गवर्नमेंट ने क्या किया है एक्सप्रेस किया है उसका इंटेंट कि अलाउ करेंगे वाटर स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज को डीपोर बिल में बिल मीनस लेक होता है ओके परमानेंट फ्रेश वाटर लेक है ये एक लार्जेस्ट बिल मीन्स लेक है ब्रह्मपुत्रा वैली की लोअर असम की ओके okay. ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है रामसार साइट भी है एंड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया साइट भी है डिक्लेयर किया है जिसे एनजीओ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसके बारे में हमने बहुत ऊपर बात की थी लास्ट वीडियो में ओके माइग्रेटरी बर्ड स्पॉटेड जो यहां पे हैं वाइट आइड पॉकर्ड ग्रे लैग गूज देन बायस पॉकर्ड एटसेट्रा थ्रेड क्या है इस लेक को फिलिंग जो हो रही है वेटलैंड फॉर हैबिटेशन पॉल्यूशन फिशिंग एक्सेसिव फॉर्डर प्रैक्टिस एटसेट्रा देन यहाँ पे कावर लेक दैट इज काबरतल वेटलैंड के बारे में दिया हुआ है जो बिहार में है कांवर लेक थ्रेड फेस कर रही है कि कहीं एक सूखी ना हो जाए ओके सूखा ना पड़ जाए इसमें खत्म हो जाए पानी ये एक फ्रेश वाटर नेचुरल वेटलैंड है वैसे तो ड्रॉ करता है वाटर पानी कहाँ से आता है इसमें गंडक बिया एंड कारेह रिवर से ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है ये एक ऑक्सबो लेक है ऑक्सबो लेक किसे बोलते हैं कोई नदी ऐसे ऐसे, ऐसे जा रही है साइड में कोई पार्ट कट के निकल गया उसे ऑक्स ऑक्सबो लेक बोल देते हैं ओके डेजिग्नेटेड है एज रामसार वेटलैंड साइट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी देन नेक्स्ट है कोल्लेरू लेक ऑफ आंध्र प्रदेश यहाँ पे एक इन्वेंट्री ऑफ लैंड यूज एंड अदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं एडज कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिससे कि वो इसे डिक्लेयर कर देंगे बाद में इको सिस्टिव जोन ओके okay? देन ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की कनेक्टेड है कृष्णा गोदावरी सिस्टम से कौन सी नदियों का पानी इसमें आता है बूडा मेरू एंड तमिलेरु ओके okay? ये एक रामसार साइट है इपोमियावैटिक ओटेलियाप प्रोसोपिस जूली फ्लोरा एट्सेट्रा इसके फ्लोरा है मीनस प्लांट स्पीसीज जो भी यहाँ पे है देन फोना की बात करें तो ग्रे पेलीकन एक इंडिकेटर स्पीसीज यहाँ पर मिलती है आपको देखने को इंपॉर्टेंट है माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक ग्लॉजी आई बेस एंड पेंटेड स्टॉक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है देन सुंदरबन आईलैंड इसके बारे में गिवेन है यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश वो बिलीव करते हैं जो क्लाइमेट चेंज ट्रिगर लॉस एंड डैमेज है सुंदरबन का उसे ग्लोबल कॉमन्स की तरह देखा जाना चाहिए ओके ये एक क्लस्टर है लो लाइंग आइलैंड्स का जो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है सुंदरबंश ओके देन लोकेशन की बात करें तो स्प्रेड है फोर्टी परसेंट पार्ट इंडिया में सिक्सटी परसेंट बांग्लादेश में इसका लाई करता है डेल्टाज ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर के वर्ल्ड की लार्जेस्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया है मैंग्रोव फॉरेस्ट के मामले में देन कल्चरल यूनिस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रामसार साइट भी है फोना की बात करें यहाँ पे तो एश्चुर क्रोकोडाइल रॉयल बंगाल टाइगर वाटर मॉनिटर लिजर्ड कैंजेटिक डॉल्फिन ऑलिव रेडी टर्टल्स ये सारे इंपॉर्टेंट है सारे आपको देखने को मिल सकते हैं थ्रेड्स की बात करें तो वनरेबल है फ्लड्स को लेकर के अर्थक्स आते हैं यहां पे साइक्लोन्स सी लेवल राइज एंड कोस्ट लाइन इन देन यहाँ पे अदर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज के है ऑपरेशन कच्छअप की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस उन्होंने सेव किया नाइन लाइव बेबी गैनजेटिक टर्टल्स को ओके okay, ऑपरेशन कच्छप में इंडिया जो है ये वर्ल्ड का एक हॉटस्पॉट है टर्टल डाइवर्सिटी के मामले में जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्वेंटी नाइन स्पीसीज जो है टॉर्टाइज एंड फ्रेश वाटर टर्टल्स की गैन्जा सिवर सिस्टम में ही थर्टीन स्पीसीज आपको देखने को मिल जाती हैं देन जो डी है डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ये आता है अंडर सी बी आई सी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये अपेक्स एजेंसी है इंडियन कस्टम्स की इन द फील्ड ऑफ एंटी स्मगलिंग इन इंडिया देन नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है क्रिप्टोबायोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है याद रखना ओके okay? साइंटिस्ट जो है उन्होंने माइक्रोस्कोपिक वॉर्म्स जो थे एकदम माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे ओके उन्हें वापस से जिंदा किया है समझ लो यही ओके okay? वो फ्रोजन थे जमे हुए थे साइबेरियन परमाफ्रोस्ट में परमाफ्रोस्ट वो आइस होती है जो हमेशा जमी रहती है ओके okay? या फिर वो आइस जो दो साल से ज़्यादा के लिए जमी हुई है उसे परमाफ्रोस्ट बोल देते हैं फोर्ट सिक्स थाउजेंड ईयर्स के लिए ओके बाय इंटरिंग इनटू टू स्टेट कौन सी स्टेट में इंटर कर गए थे क्रिप्टोबायोसिस जैसे कि हाइबरनेशन होती है उसका बहुत बड़ा फॉर्म सोच सकते हो आप क्रिप्टोबायोसिस एक स्टेट है ऑर्गेनिज्म की जब वो एंटर कर जाता है ऐसी स्टेट में कि कोई विजिबल साइन नहीं होता है कि वो जिंदा है या फिर नहीं है ओके वेट्स मेटाबोलिक एक्टिविटी जो होती है हार्डली मेजरेबल होती है मेजर नहीं कर सकते आप एंड स्टैंड स्टिल हो जाता है टोटली totally. देन यहाँ पे एक न्यू टर्म दिया हुआ है फैकल्टेटिव पार्थिनोजेनिस ये देखते हैं ये क्या है कि साइंटिस्ट ने डॉक्यूमेंट किया देखा एक फर्स्ट नोन इंस्टेंस देखा एफ पी का दैट इज फैकल्टेटिव पार्थिनोजेसिस का जिसे हम वर्जिन बर्थ भी बोलते हैं बाई अ है क्रोकोडाइल ये एक एबिलिटी होती है सेक्सुअली प्रोड्यूस रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज की कि कभी कभी वो असेक्सुअली भी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देते हैं ओके अगर एफ पी की बात करें तो फीमेल का जो एक्सेल होता है वो डेवलप करता है बेबी में विदाउट बींग फर्टिलाइज बाई अ मेल मेलसेल ओके हेयर जो uh, एग सेल बनती है एक प्री सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है फोर सेल्स में एंड उसमें जो फोर होती हैं उसमें से एक होती है हो, उस बर्ड सेल की तरह एक्ट कर जाती है एंड फ्यूज़ करती है विद द एक्ट टू बिकम फर्टिलाइज एफ पी जो है ऑल्सो बीन डॉक्यूमेंटेड इन अदर स्पीसीज बाकी भी स्पीसीज में आप देख सकते हो नाम याद रखो इसका फैकल्टेटिव पार्थिनोजनसिस ओके okay? ये इन अदर स्पीसीज लाइक फिश बर्ड्स लेजर्ड्स एंड स्नैक्स में भी आप देख सकते हो देन यहाँ पे इन्वायरमेंटल डी एन ए दैट इज ई डी एन ए की बात की गई है यहाँ पे क्या हुआ है कि साइंटिस्ट ने फाउंड किया एक एलिज्यू मतलब एलिज्यू मतलब कि आप जल्दी ढूंढ नहीं सकते उस चीज को ओके डी विंटन्स गोल्डन मोल को इन्होंने पाया है जिसे जिसका साइंटिफिक नेम है क्रिप्टोक्लोरिस विंटनी ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फर्स्ट टाइम पाया है एटी सेवन में विद द हेल्प ऑफ इन्वा ये है क्या आखिर डी विंटन्स गोल्डन मोल जो है आईयी एन स्टैटस का क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंडेमिक स्पीसीज है साउथ अफ्रीका की ओके की फीचर क्या है ये कंप्लीटली ब्लाइंड होता है एंड बसता है इंटायरली अंडरग्राउंड धरती के अंदर रहता है हमेशा ओके ईडीएन ए टेक्निक क्या है ये एक मैथड है बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने का एंड मॉनिटर करने का इको सिस्टम चेंजेस को यहाँ पे कलेक्ट किया था डीएनए एंड कंपेयर एंड मैच किया जाता है रेफरेंस डीएनए के साथ ई e डीएनए एक न्यूक्लियर या माइक्रोकॉन्डियल डीएनए होता है जो रिलीज होता है फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इन टू द एनवामेंट देन यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है ट्रॉपिकलाइजेशन ये क्या है एक स्टडी है जिसने जो, जो इंडिकेट करी है कि जो सी टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से इससे क्या हो रहा है कि ट्रॉपिकल मरीन स्पीसीज जो हैं वो मूव करें इक्वेटर से पोल्स की तरफ ट्रॉपिकलाइजेशन ओके एंड रिट्रैक्शन हो रहा है टेम्परेट स्पीसीज का वो और आगे बढ़ जाएंगे फिर पोल्स की तरफ चले जाएंगे ठीक है ट्रॉपिक्स वाले टेम्परेट में टेम्परेट वाले पोल्स में राइट ये मास मूवमेंट जो है मरीन लाइफ का इसे बोला गया है ट्रॉपिकलाइजेशन ओके बोरियलाइजेशन क्या है ये एक्सपेंसन है टेम्परेट स्पेसीज का टेरिस्ट्रियल एंड मरीन जो भी है इन टू आर्कटिक पोलर रीजन देन यहाँ पे इंक्वाइस के बारे में बताया गया है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज यहाँ पे क्या हुआ कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज है इंक्वाइज उसने डिप्लॉय किए थे टू डीप सी ग्लाइडर्स को बे ऑफ बंगाल में क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए ओके okay. इसलिए न्यूज में आया इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है इंक्वाइज इसकी जेनेसिस कैसे हुई ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है 1999 में स्टेबलिश हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है एंड ये यूनिट है अर्थ सिस्टम साइंसेज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ई का मिशन क्या है ये प्रोवाइड करता है ओशन डेटा इंफॉमेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज किसको देगा सोसाइटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट एंड साइंटिफिक कम्युनिटी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं चेयर करके आता है बाई सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है the, एक डायरेक्टर होता है अलॉन्ग विद गवर्निंग काउंसिल जो कि फंक्शनिंग देखता है अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है ये स्टैब्लिश करता है अर्ली वार्निंग सिस्टम को फॉर सुनामी एंड स्ट्रॉ सर्जेस इंपॉर्टेंट टू प्रमोट रिसर्च प्रमोट करता है रिसर्च को इन फील्ड ऑफ ओशन इन्फॉर्मेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग सेटेलाइट ओशनोग्राफी इससे यही आप एक्सपेक्ट करोगे और यही ये यह करता है ओके okay? जैसा नाम वैसा काम देन यहां पे फर्स्ट सेंसस हुआ है वाटर बॉडीज का ये देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया है ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट सेंसर जो हुआ वाटर बॉडीज का ऑब्जेक्टिव क्या था डेवलप करना एक नेशनल डेटाबेस सभी वाटर बॉडीज का लॉन्च किया गया इन कन्वर्जेंस विद सिक्स माइनर इरीगेशन सेंसिस जो कि होता है अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इरीगेशन सेंसिस की हाईलाइट क्या थी 24.24 लाख वाटर बॉडीज थी 97.1 सेवन पॉइंट वन परसेंट रूरल एरियाज में 2.9 परसेंट अर्बन एरियाज में टॉप थ्री स्टेट्स जो थे मोस्ट वाटर बॉडीज के साथ वो वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश लास्ट ईयर आया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज जो हैं विद लीस्ट वाटर बॉडीज वो सिक्किम चंडीगढ़ एंड दिल्ली हैं लीस्ट वाटर बॉडीज ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके मैन मेड वाटर बॉडीज़ की बात करें तो सेवेंटी एट परसेंट थी नेचुरल ट्वेंटी टू परसेंट थी देन फिफ्टी फाइव पॉइंट टू परसेंट जो थी वो प्राइवेटली ओन्ड थी मतलब प्राइवेट एंटिटीज में ओन किया था एंड रेस्ट जो है पब्लिक ओनरशिप के साथ पे एक और टर्म है मिस्टी ये मैंग्रोव इनिशिएटिव हैोल लाइन है एंड इनकम्स मिस्टी ये लॉन्च किया गया था वर्ल्ड डे पे दैट इज फिफ्थ जून 2023 में एम क्या है इसका रिस्टोरेशन करता है मैंग्रोव फॉरेस्ट का बाय अंडरटेकिंग मैंग्रोव रिफॉरेस्टेशन कर दो एफॉरेस्टेशन कर दो मेजर करता है अलॉन्ग इंडियाज कोस्ट बाई अडोप्टिंग एग्जिस्टिंग बेस्ट प्रैक्टिस जो भी हैं इन इंडिया एंड ग्लोबली फाइनेंशियल आउटले की बात करें तो हंड्रेड करोड़ एलोकेट किए गए इसे फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फोर फंडिंग साइकिल जो है 80% परसेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो बॉन्ड करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिमेनिंग 20% परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स वाले देन यहां पर रिवॉर्ड प्रोग्राम गिवन है रेजुनेटिंग वॉटर सेट्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का उसने रिव्यू किया है ऑफ सपोर्ट मिशन ऑफ रिवॉर्ड प्रोग्राम ओके रिवॉर्ड क्या है ये एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड वाटर्स वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स तक के लिए इंप्लीमेंट किया गया है ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथन करता है कैपेसिटीज को किसके नेशनल एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन के अडॉप्ट करने के लिए इम्प्रूवड वाटर सेट मैनेजमेंट को इन सेलेक्टेड वाटर सेट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स प्रेजेंटली इम्प्लीमेंट कहाँ होता है कर्नाटका एंड उड़ीसा में सो लेट्स गो टू आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन न्यूज फर्स्ट है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जेनेसिस का भी थी स्टेबलिश हुआ था नाइनटीन एटी टू में एज एन ऑटोनॉमस नेचुरल रिसोर्स सर्विस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फंक्शन क्या है यह वाइल्ड लाइफ रिसर्च कंडक्ट करता है इन द एरियाज ऑफ बायोडावर्सिटी इन डेंजर्ड स्पीसीज एट्रा प्रेसिडेंट कौन है wildlife, uh, wildlife institute of India का? ये होता है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ एम ओ ई एफ सी सी ओके देन लोकेटेड है देहरादून में रिपोर्ट रिलीज की गई है जो बाई डब्ल्यू आई आई वो देखते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रिपोर्ट रिलीज की कर ये uh, की है इसने जॉइंटली विद जूलॉजिकल जौन्तल सर्वे ऑफ इंडिया ओके okay? ये एक पीरियोडिक असेसमेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन रेंज क्या है ट्रेंड क्या है बेंडेंस में कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इंडिया की की बर्ड स्पीसीज का की हाईलाइट्स की अगर बात करें हम तो बर्ड स्पीसीज की जो रिचनेस थी वो कम पड़ गई है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स जो थे वो डिलाइन हो गए हैं सबसे ज्यादा ओके okay? फिफ्टी परसेंट डिलाइन हो गए हैं सोर बर्ड्स जो थी जो ब्रीड करती थी आर्किटिक में वो तो पर्टिकुलरली अफेक्ट हुई हैं बहुत ज्यादा क्लोज टू एट्टी परसेंट डिलाइन हो गई हैं सिवरल बर्ड स्पेसी जैसे कि इंडियन पीपाउल है रॉक पिजन है एशियन कोयल है एंड हाउस क्रो है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड इन्होंने शो किया है ओके की बर्ड्स एंड उनके हैबिटेट्स इन ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? इंडियन स्किमर ये आपको इंडियन स्किमर एंड ब्लैक बेली टर्न एक ही जगह पे लगभग आपको देखने को मिलेंगे अराउंड चंबल गंगा महानदी यमुना एंड सोन एंड ये भी चंबल महानदी गंगा सोन गोदावरी एंड यमुना क्रिटिकली इंडेंजर्ड बंगाल फ्लोरिकन की बात करें तो रेस्ट्रिक्टेड है हिमालयन तराई रीजन्स में एंड ग्रास में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जैसे कि उत्तर प्रदेश में मिलती है असम में एंड अरुणाचल प्रदेश में बायस पॉकर्ड ये वेटलैंड में मिलती है असम एंड मणिपुर के लेट्स गो टू अर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेड एस आई इसका जेनेसिस कब हुआ था ये स्टैब्लिश हुआ था 1916 में एंड ट्रेस इसका कहाँ से मिलता है ओरिजिन का जूलॉजिकल सेक्शन ऑफ इंडियन म्यूजियम एट कलका इन 1875 मैंडेट क्या है इसका ये अंडरटेक करता है एक्सप्लोरिंग नेमिंग डिस्क्राइबिंग क्लासिफाई करता है एंड डॉक्यूमेंट करता है एनिमल्स को फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हेड क्वार्टर का कोलकाता में है डिक्लेयर किया गया है एज डेजिग्नेटेड डिपोजिटरी फॉर द नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन जो भी होंगे एज पर द नेशनल बायोडा एक्ट ऑफ टू टू रिपोर्ट कौन से रिलीज करता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो देखते हैं दो रिपोर्ट दिया गया है यहाँ पे दो रिपोर्ट के बारे में फर्स्ट है फ्लोरा एंड फोना डेटाबेस बेस इंडिया ने एड किया है सिक्स सिक्सटी फोर एनिमल स्पीसीज को उसकी फोना डेटाबेस में एंड थ्री थर्टी नाइन को फ्लोरा में ओके okay? लिस्ट जो है एम ओ ई एफ सी सी की कंटेन करती है न्यू रिकॉर्ड जो भी हैं स्पीसीज जो भी मिली है इंडिया में पहली बार एनिमल्स की एंड न्यू डिस्ट्रीब्यूशनल रिकॉर्ड्स जो हैं फ्लोरा के प्लांट स्पीसीज के ओके फोनल डिस्कवरीज जो हैं कंपाइल की जाती हैं फोना मीनस जो भी एनिमल्स हैं वो कंपाइल करता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड फ्लोरा जो होते हैं वो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंपाइल करता है मैक्सिमम डिस्कवरीज जो हुई है बोथ फ्लोर एंड फोना की वो केरला में हुई है की फोना जो डिस्कवर हुए हैं वो देखते हैं मेघालय में मिनिओप फिलिप्सी आप देख सकते हो एक लॉन्ग फिंगर्ड बैट है ग्लिसरोपस मेघालयस देख सकते हो एक बैंबू ड्लिंग बैट है ओके यहाँ पे बैट बहुत ज्यादा मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे सेला मकाउ देखने को मिला है मकाका सेलाई जिसका नेम है नेम्ड आफ्टर सेला पास सेला पास वहाँ पे है ये याद रख लो मकाका ल्यूकोजनिस है एक वाइट चीकड मकाउक है फाउंड इन मोडोग बेथ साइटेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार देखने को मिला है इंडिया में ओके नारकोंडम आइलैंड है इंडिया अंडमान में वहाँ पे क्या मिला है फिशेडुला जैनथो ओके एक वाइट रम्ड फ्लाई कैचर है जिसे हम मंगोलिया चाइना कोरिया एंड जापान में देख सकते हैं अब इंडिया में एंड इंडिया में भी मिलता है ओके okay? की फ्लोरा कौन से डिस्कवर हुए हैं कैलेंथे लैमिलोस हुआ है फाउंड इन इंडिया इन द जैपू माउंटेन रेंज जो है कोहिमा का नागालैंड में देन नंदा देविया पुसलकर ये फुटहिल्स एंड वार्म आउटर वैलीज ऑफ उत्तराखंड हिमालय में मिला है नंदा देवी वहीं पे है तो वहाँ से आप इसे नंदा देविया पुसलकर लगा सकते हो एक आइडिया देन नील जरीलिया पुसलकर ओके एंडेमिक है साउथ सदर्न वेस्टर्न घाट्स का एंड डिस्ट्रीब्यूटेड है कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु में नीलगिरी है यहाँ पे तो उससे आप लगा सकते हो एक सेंस कि वहीं पे होगा सेवनटी फाइव एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया ये दूसरी रिपोर्ट है फाइंडिंग्स जो है ये पार्ट है जेड एस आई की पब्लिकेशन का सेवेंटी फाइव एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया का जो कि प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स बायोजोग्राफिक रीजन के बारे में जहाँ पे कि वेयर द स्पेसीज आर फाउंड देअर कंजर्वेशन स्टैटस उनका क्या है डिस्टिंग ट्रेट्स उनके प्रिफर्ड हैबिटाइट्स क्या हैं एट्सेट्रा एंडमिक स्पीसीज कौन सी होते हैं ये वो प्लांट्स एनिमल्स हैं जो कि फाउंड होते हैं एक एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं ओके okay? और कहीं नहीं मिलते हैं उन्हें बोलते हैं एंडेमिक अदर की फाइंडिंग्स क्या है इंडिया होम है घर है ट्वेल्व पॉइंट फोर जीरो परसेंट ग्लोबल बर्ड डाइवर्सिटी का ओके थ्री एंडेमिक स्पीसीज जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं पिछले कुछ डेकेट्स में इसका मतलब ये नहीं कि वो मिल है नहीं वहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुए ओके okay? जैसे कि मणिपुर बुश कोयल हो गया हिमालयन कोयल हो गया जर्डन्स कोर्सर हो गया देन थ्री स्पीसीज जिन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया है मीन्स स्पीसीज हैं बट बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं ओके okay? हिमालयन कोयल जर्डन्स कोर्जर एंड बुगुन लियोसला ओके okay? सो so, हिमालयन कोर्स एंड जर्डन कोजर आप देखोगे दोनों जगह पे हैं मतलब है तो बट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बता दिया इन्हें कि बहुत हार्मफुल हो चुके हैं अब ये इन पर बहुत ज़्यादा पोचिंग वगैरह हो रही होगी ओके सो कम पड़ गए हैं बट है और रिकॉर्ड भी नहीं किए गए हैं तो देखा जाएगा आगे क्या होता है हाइएस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज कहा मिली है वेस्टर्न घाट्स में मिली है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल मालाबार बार पराकीत अशंबू लॉफिंग ट्रस्ट वाइट बेलेट शोला किली ये आप देख सकते हो एक बार एक एक बार सर्च करके इतना बड़, इतना बड़ा काम नहीं है ओके सेवरल स्पीसीज जो है एंडेमिक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जैसे कि निकोबार निकोबार मेगापोर्ट हो गया निकोबार सरफेंट ईगल है अंडमान क्रेक है अंडमान बार्न आउल है देन लास्ट टॉपिक यहां पे देखते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दैट इज डब्ल्यू डब्ल्यू एफ यह है क्या ये एक इंटरनेशनल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है नियरली हंड्रेड कंट्रीज में एम क्या है इसका डेवलप करना एंड डिलीवर करना इनोवेटिव सॉल्यूशंस को जिससे कि प्रोटेक्ट किया जा सके कम्युनिटीज वाइल्ड लाइफ एंड प्लेसेस को जहां पे हम रहते हैं ओके जेनेसिस कैसे हुआ इस्टेबलिश हुआ था नाइनटीन में एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एट आई यू सी एन हेड क्वार्टर मोर्जर स्विट्जरलैंड में ओके रीनेम किया गया एज वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया जो है ये हुआ था एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह 1969 में ये याद रखना देन हेड हेडक्वार्टर कहाँ ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जो एक अर्थ आर वो कौन करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर मस्ट टू रिमेंबर ओके जैसे टू थाउजेंड में हुआ था अर्थ आर का एंड स्टार्ट हुआ था एज अ लाइट्स ऑफ मूवमेंट इन सिडनी ओके अर्थ आर के बारे में एक बार, एक बार बार आप सर्च करना वेरी स्पेशल बहुत अच्छी चीज है ओके okay? ऑब्जर्व एवरी ईयर हर ईयर ऑब्जर्व किया जाता है मार्च में बिटवीन इन कंट्रीज लोकल टाइम ओके इसके बारे में आप कमेंट में प्लीज पोस्ट करना कोई तो इंटरेस्ट लो रिपोर्ट्स कौन सी रिलीज की जाती है बाई डब्ल्यू डब्ल्यू एफ एक तो है लिविंग प्लान रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो कि यूज करती है लिविंग प्लान इंडेक्स एल पी आई को एल पी आई एक मेजर है स्टेट का किसके स्टेट का वर्ल्ड की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि बेस्ड है पॉपुलेशन ट्रेंड्स पे ऑफ वर्टी ब्रेट ये याद रखो वर्टी ब्रेट स्पेसीज फ्राम टेरिस्ट्रियलॉटर एंड मरीन हैबिटेट्स अडोप्ट किया गया बाई ये अडॉप्ट किया गया था बाई कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की एक इंडिकेटर है प्रोग्रेस का टवर्ड्स ट्वेंटी 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी टारगेट्स एंड प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल इन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टूअर्ड्स द पोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी गोल्स ओके एक और रिपोर्ट है इसकी हाई कॉस्ट ऑफ चीप वाटर रिपोर्ट सो इसी के साथ ही ये टॉपिक हमारा ओवर होता है एंड लेक्चर भी ओवर करते हैं हम लेट्स की नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कंप्लीट करेंगे सो so, चलते हैं हम अपने टॉपिक्स पे सो so, इसी के साथ ही हमने ये फर्स्ट पेज के सारे टॉपिक एंड यहाँ पे भी हमने कंप्लीट कर लिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम स्टार्ट करेंगे एंड ऑलमोस्ट टेन पेजेस कवर करने की कोशिश करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी उसके बाद ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे ओके सो टेक केयर बाय कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियोज़ एंड अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मैंने एक जगह बता दी है कहाँ पर स्टार्ट में ही सो बाय बाय